हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सुहाना की रसोई में। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा चटपटे और सुपर टेस्टी छोले, जिसे आज हम बनाएंगे एवरेज छोले मसाला पैकेट से। आप इस पैकेट से बहुत ही कम टाइम पर और बहुत ही ज्यादा डिलीशियस छोले बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम पर। आप इसे गर्मा गर्म पूड़ी, पराठे, भटूरे, रोटी, चावल किसी के साथ भी सर्व करें, सभी के साथ आपको ये छोले बहुत ही पसंद आएंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले लेंगे एवरेज छोले मसाले का पैकेट। ये 50 ग्राम का पैकेट है और इसका जो MRP प्राइस है वो 37 रुपीज है। तो चलिए फिर छोले बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कुकर में 200 ग्राम भीगे हुए छोले ऐड कर देंगे। इसे पूरी रात भिगो दिया था। 2 हरी इलायची इसमें ऐड करेंगे। आधी टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा है। 2 तेज पत्ते, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। अब यहाँ पर हम इतना पानी ऐड करेंगे जितने की छोले पानी में आसानी से डूब जाएं। अब यहाँ पर इसे हम थोड़ा सा चलाएंगे और ढक्कन लगाकर कुकर को कवर करेंगे और 4 सीटी आने तक पकाएंगे। दूसरी तरफ छोले की ग्रेवी तैयार करेंगे। आधा कप तेल एक कढ़ाई में गरम करेंगे। तेल गरम होते ही इसमें 1 टीस्पून जीरा को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जीरा फ्राई होते ही 2 मीडियम साइज की प्याज चॉप की इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को यहाँ पर तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन कलर की ना हो जाए। इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें। देखिए प्याज कुछ इस तरह से फ्राई हो गई, इसको दोबारा चलाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ पर इसे 1 मिनट फ्राई करेंगे। 1 मिनट के बाद इसमें ऐड करेंगे 2 टमाटर का पेस्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। अब यहाँ पर कढ़ाई में ढक्कन लगाकर कवर करेंगे और तेल छूटने तक इस तरह टमाटर को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए टमाटर काफी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे मसाले। यहाँ पर मैं आधी टीस्पून हल्दी ऐड कर रही हूँ और 2 टीस्पून यहाँ पर धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून ये लाल मिर्च का पाउडर है। 2 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले लें। थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें आमचूर पाउडर भी ऐड कर देंगे और यहाँ पर मैं आधी टीस्पून काला नमक भी ऐड कर रही हूँ। आधी टीस्पून ये जीरे का पाउडर है। अब इसमें आधा कप पानी ऐड कर देंगे। मसालों को अच्छे से पानी में मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर ढक्कन लगाकर कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पर सिर्फ इसे 2 मिनट पकाएंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे एवरेज छोले मसाला। छोले मसाले को यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। छोले मसाला ऐड करके इसको भी सारे मसाले में अच्छे से मिलाएंगे और मीडियम फ्लेम पर मसालों में तेल छूटने तक पकाएंगे। दूसरी तरफ छोले चेक कर लेते हैं। 4 सीटी आने के बाद कुकर को ठंडा कर लिया है। ये देखिए मैं आपको एक छोला चेक करके दिखाती हूँ, एकदम अच्छे से गल चुका है। इसे एक तरफ रखेंगे। मसाले को भी चेक करेंगे। ये देखिए मसाले काफी अच्छे से तेल में फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से मसाले को अच्छे से भूंज कर तैयार कर ले। अब इसके बाद ऐड कर देंगे बॉयल किया हुआ छोला। सारे छोले ऐड करके इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैं पानी नहीं ऐड कर रही हूँ, इतना पानी काफ़ी है। अब यहाँ पर ढक्कन लगाकर कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पर छोलों को 20 मिनट पकाएंगे। 20 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए जो इसकी ग्रेवी है वो काफ़ी अच्छे से गाढ़ी हो गई है। ग्रेवी आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। अब इसके बाद इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और धनिया ऐड करके इसको भी मिक्स करेंगे और छोलों को गर्मा गर्म हम सर्व कर लेंगे। ये लीजिए चटपटे और टेस्टी छोले बनकर तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म भटूरे, पूड़ी, चावल, रोटी किसी के साथ भी सर्व करें, सभी के साथ आपको ये छोले बहुत ही पसंद आएंगे। तो आप भी इस रेसिपी को बनाएं और बनाकर इंजॉय करें। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।